Hello everyone, welcome back to another video. In this video we will tell you about the learning of English language. Learning of English language. Basically ये video उन लोगों के लिए है जो उर्दू जानते हैं और वो English सीखना चाह रहे हैं. तो हम English tenses की बात करेंगे इस video में. आपको तमाम टेंसेस के बारे में सिखाया जाएगा और आप बआसानी उर्दू के अल्फाज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इंग्लिश सीखने के लिए और ये टेंसेस सीखने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए. टेंस, टेंस का वर्ड उर्दू में टेंस के मानी है ज़माना के. देर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, past tense, future tense. present tense वो ज़माना जो आजकल चल रहा है, इसे उर्दू में हाल के नाम से जाना जाता है. past माजी जो वक्त गुजर चुका है, और future आने वाला वक्त यानी मुस्तकबिल. तो हम वन बाय वन बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, फिर पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की. सबसे पहले आपको बताते चलें कि प्रेजेंट टेंस में मज़ीद चार अकसाम होती हैं, पास्ट टेंस में मज़ीद चार अकसाम होती हैं, और फ्यूचर टेंस में भी चार अकसाम होती हैं, और ये कुल मिलाकर 12 टेंसेस बनते हैं. हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से. तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद बात करेंगे present perfect continuous tense. ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इस फिक्रे को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये बताएंगे, और इसके अलावा इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि इस इंडेफिनेट टेंस का या कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है.